दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 5:30 हो रहा है और हमें 5 बजे इधर आया घूमने। तो आज है ना, आज का मौसम ठंडा है, देख सकते हैं। चाची इधर आम की रखवारी कर रही है। तो चलिए, अभी मैं आया घूमने यहाँ पर, आधा घंटा दोस्तों बैठ गया, अभी चलते हैं घर पर। और आज ठंडा मौसम तो है ही, लेकिन सूर्योदय भी हो चुका है, बादल है, इसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसे नेट पर नहीं बता रहा है कि बारिश आएगा, लेकिन देख सकते हैं इस साइड से पूरा काला काला बादल लगा हुआ है। तो बारिश बुझा रहा है कि अब आ जाएगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। गर्मी है, हवा भी चल रहा है और थोड़ा गर्मी भी है, लेकिन बादल लगा हुआ है, बारिश आता है कि नहीं आता है, तो देखते हैं। और अभी दोस्तों हमने घूम लिया, अभी चलते हैं घर पर, कपड़ा वपड़ा सरियाना है तो सरियाएँगे, उसके बाद में अगर बारिश कैसा होता है तो फिर फेरी पर निकलना है। तो फिलहाल दोस्तों इधर से घूम लिए, अब चलते हैं। चाची चले से तू रखवारी करा के, चलिए अभी चलते हैं। और हमको सरियाना है तो सरियाएंगे, सरिया जा करके रेडी कर लेंगे, और उसके बाद में 9:30 बजे से चलेंगे फेरी पर। चलिए दोस्तों फिलहाल मिलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कितना बादल लगा हुआ है बेजोर, और बारिश को अब क्या होता है। तो दोस्तों अभी आ गया घर पर, और दोस्तों ये भूसा देख सकते हैं, बारिश में जो है ना पूरा सूख गया हुआ है। दोस्तों सूखने के लिए पसार दिए थे, तो इस सबको जमा कर देते हैं, जमा करके और इस पानी से ढकना है, तो सबको सरिया देते हैं एक तर करके और ढक देते हैं। बारिश लगा हुआ है तो ये है गोबर कच्चा, इसी से जो है ना सबको एक तर जमा कर लेते हैं, ऐसे करके जमा कर तो सबको जमा करके एक तर ढक दिया जा सकते हैं। और अभी चलते हैं कपड़ा सरियाते हैं, चलते हैं दोस्तों सरिया लेते हैं सबको। इधर है गमछा, कल बिक्री हुआ था तो इसमें भी ऐड करना है। चलते हैं सबको सरियाते हैं, झोला में कभी सरियाना है, सब सरिया भी आके रेडी कर लेते हैं। पहले दोस्तों अभी मैं पूरी तरह से माल सब सरिया लिया हूँ, इतना हमारा रह गया, देख सकते हैं गमछा इतना ही बचा है। नहीं तो इधर जो है ना देख सकते हैं, ये गमछा सरिया ले जाने के लिए, और झोला भी रेडी हो चुका है, और कैरेट भी दे सकते हैं, कैरेट भी पूरी तरह से रेडी हो चुका है। और बाहर का मौसम का व्यू दिखाते हैं। तो सुबह बहुत ज़्यादा बादल लगा हुआ था, लेकिन अभी धूप आ गया है थोड़ा थोड़ा, तो चलते हैं अभी स्नान कर लेते हैं। खाना वाना खा लिया, स्नान स्नान करके पूजा वूजा करके अभी इधर चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा भैंस को पानी पियाते हैं और फिर चलेंगे। टाइम 9:05 बाकी है, चलिए पानी पिला के चलते हैं। इधर बाल्टी रखा हुआ है तो पानी पिया लेते हैं, भर करके 9:15 से निकलेंगे। तो दोस्तों अभी गमछा लोड करना वाली बाकी है, खाली एक कैरेट लोड हो गया है, तो चलते हैं गमछा लोड कर लेते हैं, गर्मी काफ़ी है, तो चलिए लोड कर लेते हैं। तो गमछा लोड भी कर लिया, अब चलिए निकलते हैं। दोस्तों अभी 1:30 बजने वाला है, और घर से निकला हूँ लगभग 9:15 बजे, और 9:15 बजे के बाद जो है ना घर से 2 किलोमीटर पर इधर गांव पड़ता है चंडिया तुरहा टोली, तो इसमें हमको कितना 9:30 मानिए 4 घंटा समय लगा है एक ही गांव में। मोल भाव बहुत ज़्यादा होता है इसके वजह से, तो 4 घंटा समय लगा है, और सेल भी हुआ है लगभग 1200-1250 के आसपास सेल हुआ है, लेकिन टाइम ज़्यादा लग गया। तो अभी चलते हैं दोस्तों, एक गाँव चंडिया बहुत बड़ा गाँव है, लगभग बहुत ज़्यादा बहुत टोला है, लेकिन एक ही टोला में घूमे हैं तुरहा टोली में खाली, तो 4 घंटा समय लगा है, ज़्यादा मोल भाव के कारण एक ही सामान को बार बार मोल भाव करता था, और ले लेता है तो देता भी नहीं है, ये नहीं से इतना में पसंद देते लो, नहीं तो ले के हाथ में झिलाते रहता है, न पैसा देता है न सामान देता है, इसके वजह से ज़्यादा लेट होता है, और हम ज़्यादा झाड़ के बोलते भी नहीं है कस्टमर को, तो इसलिए ज़्यादा मतलब लेट हो जाता है। तो अभी 1:30 बजने वाला है, चलते हैं चंडिया गांव, अभी घूमने का है, 3-4 टोला भी घूमने का है चंडिया में, तो घूमते हैं और देखते हैं इस समय से कितना का सेल होता है, क्योंकि अभी तक 1250 का हुआ है, एक ही टोला में हुआ है 1250 का सेल। तो दोस्तों अभी आ गया हूँ घर पे, और 1:30 बजे तो आप लोग से बात करवे किए थे, लेकिन उसके बाद है ना 3 बजे के आसपास हमारा मोबाइल बंद हो गया है, और एक ही टोला में तो 1 बजे तक घूम रहे थे, लेकिन उसके बाद छोटा छोटा 3 टोला घूमे हैं शाम तक, मानिए कि वहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर घूमे हैं, 4 किलोमीटर
इतना ही देर में शाम हो गया और आते आते अंधेरा हो गया है। तो अभी आ गया हूँ और घर पे माल उतार करके आ गया। यहाँ पे मोबाइल अभी चार्ज किया हूँ, चार्ज पर भी लगाया हूँ, चार्ज हो रहा है और आप लोगों से बात कर रहे हैं। आज का सेल है, कह सकते हैं इतना है, गिनती भी नहीं किया है। और ये रेट की 55 रुपया है, इसको गिनती करते कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35, 36, 37, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 46, 47, 46, 1, 2, 3, 4, 5, 47। तो दोस्तों 47,500 है और 47,500 जिसमें से 500 रुपया लेकर गया हुआ था, 520 रुपया, तो उसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 43,000 के आसपास सेलिंग में, 4300 प्लस सेलिंग में। ठीक है, सेल ठीक हुआ है, एक ही गांव में हो गया था बहुत टाइम, हमको लगा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद में 3-4 टोला घूमे हैं तो सही दाम पे बिक्री हुआ है और ठीक रेट में हुआ है। एक टोला में तो बहुत ज़्यादा मोल भाव होते रहे, ये चूल्हा वाला टोली में 4 घंटा समय लगे 1200 रुपया लगे एक बजे। और बाद कोठिया उठिया तक गली है, कोठिया तक ले बिका गए हैं, कितना 3,000 रुपये, तीन टोला, तीन कितना दूर है, तीन कोठियाँ कितना है दूर। तो सेल ठीक हुआ है, उधार एक भी नहीं लगे, उधार मात्र कितना 60 रुपया उधार मिला है, तो 60 रुपया उधार लगा है, तो बराबर है, उधार नहीं लगा है, 60 रुपया उधारी मिल गया है तो 60 रुपया लगा है, तो बराबर में आ गए। चलिए, और इधर माई कॉफ़ी खा रही है, देख सकते हैं तो बाजार से लाए थे सब्जी और कॉफ़ी। तो चलिए, और इधर सावन पड़ रहा है, देख सकते हैं, लिखा लिखा सरवन लिखा लिखा था, फूफी खाइए तो ये ना, इसको फूफी खाने का मन है इसलिए बोल रहा है नहीं नहीं पड़ेगा तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा रहा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आज का सेल 4300 प्लस का है, ठीक है सेल, और हमारा टारगेट रहता है 4000 प्लस का सेल होना चाहिए, तो हो जाता है। चलिए फिलहाल दोस्तों, आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।